आदाब सलाम सत श्री अकाल हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रीय सद्भावना और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से हर संडे को एक साइकिल यात्रा निकलती है। उसी सीक्वेंस में आज एक साइकिल यात्रा गोपीगंज से चल के घुसिया में आई हुई है और आप देख सकते हैं हम लोग के साथ घुसिया के चेयरमैन इब्रार अली भाई हैं। तो हम बात करते हैं इब्रार अली भाई से। चेयरमैन साहब, सुबह सुबह आप आए, कैसा लग रहा है? जी बहुत, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि सुबह सुबह आप लोग जो है भदोही साइकिल क्लब जो यात्रा निकाले हैं हमारे यहाँ, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि स्वास्थ्य के प्रति आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए पूरे आपकी पूरी टीम को पुनः एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये सफर और जो आपने अभियान चलाया है निरंतर जारी रखेंगे। हम लोगों का जहाँ सहयोग रहेगा हम लोग पूरी तरह से आप सब लोगों के साथ रहेंगे। अब हम बात करते हैं भदोही साइकिलिंग क्लब के प्रबंधक से बेचन सिंह जी से। बेचन जी, सुबह सुबह आप आए हैं घुसिया में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम, मेरा सौभाग्य कि आज हमारे बीच घुसिया के चेयरमैन श्री इब्रार अली भाई मौजूद हैं जो हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं साइकिल चलाने के लिए। भाई ठीक है फ्रेंड, ये जो भदोही साइकिलिंग क्लब की जो स्थापना हुई है तो इसका मेन उद्देश्य है कि हमने ये ठाना है पूरे भदोही को स्वस्थ बनाना है। जैसे बड़े बुजुर्ग ने कहा है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसे सुबह की हवा सौ रोगों की दवा, तो सुबह की हवा में वो ईश्वर ने वो ताकत दी है कि सिर्फ आप सुबह उठ के सिर्फ टहलते हैं, कोई वर्कआउट या कम से कम वर्कआउट भी करते हैं तो सुबह की हवा में जो फ्रेशनेस होता है तो वो जो है हमारे सांसों के जरिए हमारे लीवर फेफड़े तक जाता है, वहां पे जो कोई कमी होती है उसको चुस्त दुरुस्त करता है। उसी के साथ साथ कोई आप योग व्यायाम करते हैं तो जिससे आपका शरीर फिट रहता है, क्योंकि एक बार अगर शरीर फ्रेंड्स बिगड़ गया, एक बार शरीर बिगड़ गया तो उसका आप करोड़पति हो अरबपति हो लेकिन वो पूंजी आपके किसी काम की नहीं है। तो हम बात करते हैं आपका नाम? मोहम्मद शादिक है। ये सुबह सुबह आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और खास करके आप लोगों की टीम को देख करके जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, मैं इसके लिए आप लोगों को सभी टीमों को धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं। और हमारा सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी, हमारे नगर के लोग सभी लोग इसी तरह आप लोगों के अभियान को देखते हुए इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हंसना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी है कि आपकी उस हंसी से किसी को चोट ना लग रही हो। हंसना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, स्वीकार किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लोगों को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि 11-12 बजे रात तक जनता की समस्या को देखते हैं और उनके लिए सुबह सुबह उठ पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप भाई इब्रार भाई का, चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और सुबह के जैसे आप देख रहे हैं 6 बजने वाले हैं और हमारे साथ आ गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब बेचन चाह जो है चेयरमैन साहब का माला पहना के उनका स्वागत करें। प्रवीण कुमार सिंह चंदन जी, मंजूर अली, अकरम भाई, कमलेश कश्यप, आगे से आगे से आगे से जी चलिए, बहुत बढ़िया।